मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मुर्गा चोरी करने के आरोप में रसोई को जमकर पीटा, पीटने के दौरान हुई मौत। आपको बताते चलें कि मामला है बरेली के जिले का, एक रसोई की हत्या का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता चले आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने रसोइयों को इसलिए मारा पीटा कि उन्हें शक था कि रसोई ने चिकन बनाते समय चोरी किया है। वहीं बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर काम करने वाला बब्बल सैनी नाम के एक शख्स पर मुर्गा चोरी करने का आरोप लगाने वाले बारात घर के मालिक ने उसके साथियों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी। बीते दिनों बबलू इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर सबको पोषण अप के लिए भेज दिया गया। वहीं आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इज्जत नगर थाना क्षेत्र के सेवा ढाबे पर काम करने वाले मुरादाबाद के गाँव बिचौली के बबलू सैनी 23 मार्च को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती किया था। मृतक घरवालों ने बताया कि बबलू सैनी इज्जत नगर क्षेत्र के बाईपास स्थित ढाबे पर काम करता था। 19 मार्च तो दिन ढाबे के सामने स्थित पैराडाइज बारात घर में उसके मालिक उस मुर्गा बनाने के लिए साथ ले गया। बबलू मुर्गा बनाते समय घर के मालिक को वापस किया, वापस घर मालिक ने उसे खूब पीटा। पीटने दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल में भर्ती दौरान उसकी मौत हो गई। नगटिया पुलिस से आगे जो है सेवा ढाबे पर काम करता था। वहाँ सामने जो राणा पैराडाइज बारात घर है उसके मालिक ने इसे मुर्गा बनवाया। मुर्गा बनवाने के बाद में जो है वो मुर्गा चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट करी बंद कमरे में, और वो चोटें जो है गंभीर चोटें लग गई और सुशील हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। कोई गिरफ्तारी अभी तक? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करी? कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी है। कितने दिन हो गए इसी घटना को? इस घटना को लगभग 15 दिन हो गए। अभी तो कोई इस संबंध में कप्तान साहब से दो बार बात हुई है। आज कप्तान साहब को जानकारी दी है मेरी, कप्तान साहब ने कहा कि मैं इसमें कार्रवाई कराता हूँ, पहले पोस्टमार्टम वाली आप कार्रवाई पूरी करिए, उसके बाद में जो जैसे चाहोगे वैसे कार्रवाई हो जाएगी। कहाँ के रहने वाले थे ये? ग्राम बिचोला कुंदर की, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद। यहाँ कितने समय से रह रहे थे? यहाँ लगभग 4-5 महीने से। पति पत्नी दोनों रहते थे ढाबे पर जी? और बच्चा है? ना, बच्चा नहीं है। तो ये कि हत्या की सूचना है या इलाज के दौरान मौत हुई, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई? ये 18-19 अप्रैल की घटना है। जो मृतक हैं उनका नाम बबलू सैनी है। वो एक सीवा ढाबा कुम्हरा जो हमारे हलातपुर चौकी थाना अंतर्गत इज्जत नगर पड़ता है, वहाँ पे ये रसोईया का काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान इन्हें एक व्यक्ति महेंद्र सिंह सैनी राणा, इन्होंने एक मुर्गा दिया था कि मुर्गा बना देना। उसने जब मुर्गा बना के लाया तो जिसने मुर्गा दिया था बनाने के लिए उनको लगा कि ये मैंने जितना दिया था या जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इसने उसमें से कुछ मुर्गा जो है बना के चुरा लिया है। इसके आधार पर उन्होंने उसकी मार पिटाई की। उसके बाद 2-3 दिन बाद इनको जब लगा कि पेट में दर्द हो रहा है, कुछ समस्या हो रही है, तो ये थाने पे आए। थाने पे आने के बाद में इन्होंने इनकी पत्नी, मृतक की पत्नी जो है तहरीर दी। तहरीर के आधार पे जो है हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया 394 और 506 IPC के अंतर्गत में। दरोगा जी को विवेचना सुपुर्द की गई और 23 तारीख को विवेचना होने के बाद में ये FIR होने के बाद में ये अस्पताल सुशील हॉस्पिटल है वहाँ पे भर्ती हो गए। इनका इलाज होने लगा, इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। अब हमने जो है इसको जो विवेचना के दौरान जो साक्ष्य पाए गए उसके आधार पे ये स्पष्ट हुआ कि इसमें 394 जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। अब 394 का लोप करके उसमें 304 IPC और 506 IPC के अंतर्गत में विवेचना जारी है। दरवाजा विवेचना कर रहे हैं और हम जल्द इसमें जो भी 3 लोग नामजद हैं उनको गिरफ्तार करके हम जल्द भेजेंगे। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।